सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। मयूर कुकट महाशक्ति धरे नगे
कुमारेण पदस्थान नारायणेन वासुदे शङ्खचक्र गदाशार गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणेन वासुदे गृहीत अग्र महाचक्र दशाधृतव सुन्दरे वराहरूपिणि शिवे नारायणेन वासुदे नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तं नित्याङ्कृतार्थमे त्रैलोक्यत्राणसहित नारायणेन वासुदे करेतने महावज्र सहस्रनयनाज्वले धृतप्राणहरे चन्द्रे नारायणेन वासुदे शिवधूते स्वरूपेण हतदत्रा महाबले गौररूपे महारावे नारायणेन वासुदे द्रष्टाकरालवदने शिरामाला विभूषणे चामुण्डमुण्डमथने नारायणेन वासुदे लक्ष्मीलज्जे महाविद्धे श्रद्धे भुस्ते सुधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्धे नारायणेन वासुदे मेधे सरस्वती भरे भूतिमभ्रभितामसि नियते त्वं रसिदेश नारायणेन वासुदे सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्वते वैभ्यस्रायिणो देवी दुर्गे देवी नमास्तुते एतत्ते भगवन् स्वामिं लोचनत्राभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायिनी नमास्तुते ज्वालाकरालमत्यग्रामशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वेतभद्रकाले नमास्तुते इन्द्रस्ते धत्यते लंसे स्वनेनापूर्या जगत् स घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुतानि वा असुरा सिंहसा पङ्कचर्चितस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चन्द्रके त्वां नताभयम् रोगानशेषान्नपः श्रितुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानाम् त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एताकृतं जाग्रदनां त्वयाद्य धर्माभिशान्ते महासुरानां रूपैरनेकैर्बहुधात्वमूर्तिं कृत्वाम्बिकेता प्रचराति काम्यां विद्याशु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाधेषु वाक्येषु जकात्वधन्यां ममात्वगतेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदेहविश्वम् रक्षासि यत्राग्रविशाशनाघ यत्रारयादस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र दशाब्धिमध्ये तत्रास्तु तत्त्वं परिपास्य विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपास्य विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेश्वबन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालय गारुभीते नित्यं यथा सुरभता ददुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां विद्धे लोकानां वरदा भव दिभ्यो वाच वरदाहं स्वर्गणा वरं जगमनसे गत त्वं ऋणत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ओचः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् देभ्यो वाच देवस्वतन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे
शुम्भानि शुम्भस्य वाण्या उत्पद्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोधा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रसिक्ता सुधानवान् भक्षयन्ता शतानुग्रान् विप्रसिक्तान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति धारिणी कुसुमोपमा ततो मां देवतः स्वर्गे मृत्यलोके च मानवा सुभन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयशाशतवार्षिक्या मनाविष्टा मनमसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ संविष्यामि योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा क्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्म देह समर्पमि वरिष्यामि सुरा शाके आवृष्टे प्राणधारिके शाकम्भरैर्विख्यातं तदा यास्यामहं भवे तत्रैव अवधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गा देवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे सौषन्ध्यानं भ्रमूर्तयः भीमा देवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्यश्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्घे षड्वदं त्रैलोकस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं ब्राह्मरीति समालोका सदा सोष्यन्ति सर्वतः एतं यदा यदा वाचा दानभूता भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यायि सङ्ख्यया सायंकालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं
वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती ही, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस मां जगजन ने मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युद्धाम समप्रभा मृगपते स्कन्धस्थितां भेषजां कन्यां गृहकरभालकेतविलसत् हस्ताभिलाषेभितां हस्ते शक्रगदासिखेतविशिखा सापाजनं तर्जने बिभ्रानामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिभ्यो भजन् हेवि सवे समानित्यं सोचते या समाहिता तस्याहं सकलां वादां नाशयिष्याम संशयम् मधुकेतमराशं च महिषासुरगातनम् कीर्तयिष्यन्ति चेतद्भजं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्या नवम्यां चैकचेतसः शोषन्ति चैव देवत्या मम माहात्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोऽथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेभेष्टविरोधनम् शत्रुता नापयं तस्य दर्शितो वा न राजतः न शस्त्रा नरतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मामेतं माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थित उपसर्गानशेषस्तो महामारे समद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेर्मम यत्रैतत् पठते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तत् विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं साध्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिक्ष्याम्यहं प्रीत्या भग्ने होमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यामेतन्माहत्वम् कृत्वा भक्ति समन्विता सर्वाबाधाभिगुरुमुक्ता धनधान्या सुतान्विता मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहत्वम् तथा चोत्पत्त्या शुभा पराक्रमम् च युद्धेषु जायते निर्भयापमान् ऋभवासञ्जयम् जन्ते कल्याणम् चोपपद्यते नन्दते च कुलम् पुंसाम् माहात्म्यम् मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु दुर्ग्रासु माहात्म्यम् शृणुयान् मम उपसर्गाः समञ्जाङ्गे गृहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नम् च निवर्दृष्टम् सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे शरणाम् मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानाम् शेषाणाम् बलहानिकरम् बलम् रक्षाभूतविशाचानां पठनम् देवनाशनम् सर्वमेतन्माहत्वम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपेश गन्धदीपे सोत्तमे विप्राणाम् भोजने होमे प्रोक्षणीयम् अन्येषाभिर्भोगे प्रधानेर्वत्सरे निजा प्रीतिर्मे क्रियते संस्कृतम् सकृ सुचलते श्रुते श्रुतम् हरति पापानि तथा रोग्यम् प्रयच्छति रक्षाम् करोति भूतेभ्यो जन्मनाम् कीर्तनम् मम युद्धे सुचरितम् जन्मे दुष्टदित्यान्निवर्हणम् तस्मै सुधे भैरिकृतम् वयम् पुंसाम् न जायते
अरण्ये प्रान्तरे वापि धावाग्ने परिवारितः दशभिर्भावृतः शृङ्गे गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वापने वापनहस्तभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाजप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघ्रो भावतेन सुता भूते महानवे पदस्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे पृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा सुवर्णमेतच्चैतन्नरो मुञ्चेत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव फलायन्ते स्मरतश्चरित मम ऋषिर्भा च यद्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र भान्तधीयत देवि देवानिरातङ्कः स्वाधिकाराञ्जथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रे विनिहतायः दैत्याश्च देव्या निहत शुम्भे देवरिपाजुरि जगद्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रहविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमायुः एवं भगवते देवे सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूया कृते भूप जगतः परिपालनम् तये तन्मोयते विश्वम् देव विश्वम् प्रसूयते साजाचिता च विज्ञानम् तुष्टारिद्धिम् प्रयच्छति व्याप्तम् प्रयेत सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्यया श्रीकराति भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले निर्णाम् सेवा लक्ष्मीवृद्धि प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तुता ददाति वित्तम् पुत्रा च मतिम् धर्मे गतिम् शुभा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिव उवाच शिवो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रा प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च न्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् लभेत् अतिगूयतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयो नेरिव पार्वते मारणम् मोहनम् वश्यम् सम्भनो चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं ह्रौं क्लीं ज्योस ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहंसं लंसं भट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतमहि महादेवि जपम् सिद्धिम् गुरुश्रवे एङ्कारि सृष्टिरूपाय लिङ्कारि प्रतिपालिका क्लिङ्कारि कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाति च एकारि वरदायिनि भिज्ये च भयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां ध्रीं ध्रों ध्रोर्जये पदने भां ह्रीं भूं भागधीश्वरि क्रां क्लीं क्रों कालिका देवी शां श्रीं श्रों मे शुभं गुरु हुं 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 काररूपिण्ये जं 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 भ्रणाधिनि भ्रां ह्रीं भ्रों भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कम् चण्डम् तम् पञ्जम् षम् बिन्दुम् इम् बिम्भंशम् द्विजाग्रम् द्विजाग्रम् त्रोटय त्रोटय दीप्तम् गुरु गुरु स्वाहा पापी पूर्णा
कांचिं गोखे चरितता सांसिं सो सप्तशतीभ्यः मन्त्रसिद्धिं कुरुष्वे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागृतिहेतवे अभक्तैनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धे अरङ्गे रोदनं यथा अथ दुर्गाया पद्धरष्टक नमस्ते शरण्ये शीतानकं के नमस्ते जगद्व्यापिते विश्वरूपे नमस्ते जगद्भक्त्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे नमस्ते जगत् नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्रयि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य वृषणातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धशयन्तो त्वमेकाग्रतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जलसङ्कटे राजगिरे प्रभाते त्वमेकाग्रतिर्देवि निस्तारहे नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे अपारे महादुस्तरे चाण्डघोरे विपत्सागरे वर्जतां देहभाजं त्वमेकागतिर्देवि निस्तारनौकां नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डधुरदण्डलीला समदण्डिताकण्डशेषशत्रो त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी ननेकाखिला क्रोधनाक्रोधनिष्ठा इडापिङ्गला त्वं सुषुमना नारी नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धि प्रदात्रे स्वरूपे विभूते सदा कालरात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि प्रायि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुजभराणां ध्यादिभिः पीडितानां नृपते ग्रहगतानां दस्युभिश्रासितानां त्वमसि शरणमेकां देवि दुर्गे श्री भगवते स्तोत्र जय भगवते देवी नमा Thank you.
क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं वया दातो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ भगवती जगजननी जगत माता के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का श्रवण कर रहे हैं, जे तपस्थली है, तब भूमि है, परम पवित्र स्थली है, इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था। इस गुफा के अंदर माँ भगवती आदिशक्ति दिव्य पिंडी गुरु विराजमान होकर के तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी।
तो माँ भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर जो है तीन दिव्य पिंडी गुरु विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी, माता महा सरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इन देव पिंडियों के सामने नतमस्त होते हैं, माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने कष्टों को अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए माँ से प्रार्थना करते कि माँ प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। और तीनों माता जो है प्रसन्नता पूर्वक उन शरणार्थ भक्तों को हृदय से वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं और भक्त जन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके सभी कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं और सर्वत्र जो है उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। माता महाकाली जिस शरण भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रुओं का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, देश विदेश में अंशक रक्षा करती है, शत्रु विजय दिलाती है, माता महालक्ष्मी माँ वैष्णवी जिस शरणार्थ भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार वृद्धि करती है, सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती है, माता महा सरस्वती जिस शरणार्थ भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, जो भी भक्त सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ के शरणागत होकर के इस माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन माँ की जोत जगाते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ से क्षमा याचना करते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं, उन शरणार्थ भक्तों पर इस माँ भगवती की आदि शक्ति की इन तीनों देवियों की सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा होती है उनके जीवन में जो है सर्वत्र जो है मंगल मंगल होते हैं। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हे माँ भगवती आप अपने भक्तों को विद्यावंत विद्वान बनाइए, ज्ञानवान बनाइए, यशस्वंतम यशस्वी और लक्ष्मीवंतम आप जो है लक्ष्मीवान बनाए, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। वास्तव में भगवती जो है जिन पर जो प्रसन्न हो जाती है उनको जे सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, उन्हीं का जो संसार में यश मान कीर्ति जो है अटल बन रहती है जिन पर इस माँ की कृपा होती है। उस देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन जो है और रात्र माँ से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस माँ भगवती की जिन पर कृपा हो जाती है उनके जीवन में सदा सर्वदा सुख शांति बनी रहती है, कभी उनका कहीं अमंगल नहीं होता। इसलिए शास्त्र में कहा है कि विद्या ही जो है जो वास्तव में मनुष्य का जो है जिस स्थायी दंड होता है। कैसे? शास्त्र में कहा है कि विद्या जो है ये वास्तव में मनुष्य का स्थायी धन है। विद्या ददाति वीण्यम, वीण्यम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति धन धर्मम तथा सुखम। धन जी विद्या जो है ये ऐसी संपत्ति है जिससे जीवन भर जो है मनुष्य के जीवन में सुख ही सुख रहता है। विद्या ददाति वीण्यम, जितना व्यक्ति ज्ञानवान होगा तो विद्या क्या करती है जो वीण्य को देती है, अहंकार को नहीं देती। और याद रखना जिसके जीवन जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और जीवन अहंकार आते हैं तो विद्या विद्या नहीं होती, जो अहंकार को दे। ज्ञान जो विद्या जो है जो वीण्य को देती है, विनम्रता को देती है। जैसे वृक्ष को जब फल लगते हैं तो वह वृक्ष जो है झुक जाते हैं, ऐसे जब व्यक्ति के पास ज्ञान आता है तो उसे विनम्रता आती है, वह झुक जाता है। विद्या वीण्य को देती है, वीण्य जाति पात्रता और वीण्य से ही पात्रता आती है। पात्रता धनम आपनोती, फिर वह धन अर्जित करते हैं और धना धर्मम तथा सुखम, वो धन के द्वारा ही वह धर्म कर्म करता है,
उसका संयोग करते हैं और तथा सुखम फिर जीवन में सुखी सुख है। जिस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलता हुआ और धन का संयोग करता हुआ जो है वह धर्म कर्म करते हैं उसके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता, और यदि आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता कि आया कैसे चला कैसे गया, क्योंकि उन पर सदा सर्वदा ये देवी की जो है विद्या की दृष्टा देवी माँ सरस्वती की हमेशा उन पर कृपा बनी रहती है और वह कहीं न कहीं जो उनका मार्गदर्शन करती है, और जिनका जो माँ मार्गदर्शन करती है उनका भला अमंगल कैसे हो सकता है, कभी नहीं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए सदा सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए माँ के शरण धोकर के माँ की आराधना करे, माँ की उपासना करे, माँ की अर्चना पूजा करे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करे। इसलिए जिन पर देवतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है जिन भक्तों को उनका सर्वत्र मंगल मंगल होता है। शास्त्र में कहा है जेषां न विद्या न तपो न धन ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। जिस व्यक्ति के जीवन में जो है ना विद्या है ना तप है ना दान है ना ज्ञान है ना शील है ना गुण है ना धर्म है, जिसके जीवन में जिस सब नहीं है ते मर्त लोके भूभार भूता, वह ऐसे मनुष्य जो है पृथ्वी पर जो है वह है एक भोज है भार है, और मनुष्य रूप में मृगा चरन्ति मनुष्य के रूप में होते हुए भी वह पशु के समान है, पशु के तुल्य है। कारण आहार निद्रा भय में थुनानी समान चेता निर्णा पशु ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। ऐसी फिर कौन सी ऐसी विशेष बात है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनानी जो पशु और मनुष्य का इसकी तुलना करते बतलाया है इसमें अंतर क्या है कि मनुष्य सृष्टि करता है आहार करता है भोजन करता है अपना जीवन चलाने के लिए, पशु भी जो है आहार करते वे भी खाते हैं, निद्रा पशु लेते पशु भी सोते हैं और मनुष्य भी सोता है। भय मैथुनानी अब जो भय जो है पशु को भी होता है और मनुष्य को भी होता है, पशु भी सृष्टि करता है उनका भी परिवार बच्चे होते हैं और मनुष्य भी सृष्टि करता है उसका भी परिवार उसके भी बच्चे होते हैं। समान चेतन निर्णाम पशु ना ये सब बातें जो है समान रूप से पशु में और मनुष्य में है, फिर ऐसी कौन सी विशेष बात है मनुष्य में जिसके कारण से मनुष्य को मनुष्य कहा, और ऐसा कौन सा गुण है जिस कारण उसको पशु जो है मनुष्य होते उसको पशु कहा। ज्ञानम नराणम अधिको विशेषो ज्ञानन ही ना पशु ही समान। मनुष्य में ज्ञान की विशेष बात बतलाई गई है, मनुष्य ज्ञानवान होते परमात्मा उसे ऐसे बुद्धि दी है सोच विचार करने के लिए विशेषता जो है मनुष्य में जो बुद्धि दी वो निर्णय कर सकता है उचित क्या अनुचित है, परंतु पशु में ये बुद्धि नहीं है उचित क्या अनुचित क्या है, क्योंकि दो वर्ष का उसका बच्चा होगा वह माता पिता का संबंध भूल जाता है, इसलिए अंतर है। और जो मनुष्य रूप में होता हुआ इस पर पशु तुल्य कार्य करते हैं तो पृथ्वी पर जो है भोज मानना क्या बोला सच्चे दरबार की। और विद्या का महत्व बतलाते हैं, कहा गया है कि विद्या जो है एक ऐसा धन है विद्या मित्र प्रभाषित हो भार्ज मित्र घृष व्याधि तस्वधम मित्र धर्म मित्र मृत विद्या जो है आप ज्ञान भाण है आप कहीं प्रदेश में चले जाओ तो विद्या जो आपके बड़े भाई का काम करेगी आपको कोई परेशानी नहीं आने देगी। और विद्या जो है ऐसे ही स्त्री जो है घर के अंदर मित्र होती है मनुष्य की, घर के जो भी सुख दुख होते हैं भार्य जो है जो घर के अंदर जो है जी मित्र होती है व्याधि तस्य औषधम मित्रम, यदि कोई रोग ऐसा कोई रोग आ जाते हैं तो उसके मित्र के व्याधि औषधि जो है, और फिर क्या धर्म मित्र मृत्य, और फिर मृत्यु का मित्र कौन है, मृत्यु का मित्र जो है जो धर्म कहा गया है, इसलिए कहा है धर्म का त्याग भूल कर भी मत करना। मृत्यु का मित्र जो है जो धर्म है जो अंत्य समय भी जब सब उसका साथ छोड़ जाते हैं चाहे परिवार है
स्त्री हैं, भाई बंधु हैं, पुत्र हैं, सब कुछ झेंक झेंक संबंध है इसके। और शमशान घाट में जो शरीर भी छोड़ जाते हैं, जीव जल करके राख होते हैं, और अंत में ही इस जीव के साथ कुछ जाता तो क्या है, केवल मात्र धर्म। धर्म कहता है मैं तेरे साथ हूं। पर लोक के मार्ग धर्म जगती जीव एक उस पर लोक मार्ग में यदि जीव के साथ कुछ जाते हैं तो केवल मात्र जे कियो जे धर्म कर्म जो है, जे धर्म जो है जे जहां पर सुख देता है। प्रातः काल बता रहा था कि धर्म जो है जहां पर सुख देता है और परलोक में सुख देता है, परंतु जे धन संपत्ति जो है जे जहीं पर सुख देगी इससे आगे नहीं। इसका जो सहयोग करते हैं धन का जो है और अच्छे कार्य में लगाते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो वह पुण्य जो है आपके साथ साथ चलेगा, आपको सुख देगा, आपके कष्टों को आपके दुखों को दूर करेगा, आपके आदि व्याधि को दूर करेगा, सब ओर से आपका कल्याण करेगा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है मनुष्य को जो है कभी भी जो धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, धर्म कर्म करते रहना चाहिए। फिर जो कहा है कि विद्या का महत्व बतलाते हुए कि ज्ञाति भीर भट्टे थे नैव चोरे नापी ना नियते ना धान क्षम जाते विद्या रत्नम महाधनम। विद्या जो है जे महाधन बतलाया गया है। ज्ञात्र विवटेति नैव, अपने परिवार में अपनी जाति वालों में जी इसका जो विभाजन नहीं किया जा सकता। परिवार में आपके पास ज्ञान है, आपके पास इतने मेहनत की, आपने जो है विद्या प्राप्त कर ली, उसको कहें कि आपके भाइयों में इसका बंटवारा कर लो, धन का बंटवारा होता है, विद्या का नहीं होता। और चोरे नापी ना नियते, और चोर जो है आपकी विद्या को चुरा नहीं सकता। धन संपत्ति आपकी चुरा कर ले जाएगा, परंतु विद्या जो है आपका जो है जो कोई भी इसका हन कर नहीं सकता, चुरा नहीं सकता है। ना दान क्षम जाती, इसका जितना दान करोगे ये कम नहीं होगी, बढ़ेगी। जो वृद्धि को प्राप्त होती है विद्या रत्न महाधनम, और विद्या का ऐसा रत्न है जो कि महाधन मानना के शास्त्र में। इसलिए कहा कि जीवन में परिवार के लिए बच्चों के लिए जो है कभी जो है धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। बच्चों को खूब ज्ञानवान बनाइए, ऐसे संस्कार कीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसा उनको ज्ञान दिलाइए। धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे काबिल होंगे, ज्ञानवान होंगे, तो धन अपने आप उनके पीछे पीछे चलेगा। उनको धन के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धन अपने आप आएगा। इसलिए जो है बच्चों को खूब ज्ञानवान बनाइए, उनके लिए संपत्ति संचित करने की जरूरत नहीं। क्योंकि यदि पुत्र सुपुत्र होगा तो का धन साचे, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा उसके पास। यदि पुत्र कपुत्र होगा का धन साचे, फिर भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वह बर्बाद कर देगा। इसलिए धन संपत्ति एक मर्यादा में, मैं प्रातःकाल मर्यादा के विषय बतलाया था, अति किस चीज भी अच्छी नहीं होती। ईश्वर कहा है चोर इसको चुरा नहीं सकता और राजा जो है इसको छीन नहीं सकता। राजा कहे कि मैं राजा हूं, मैं तुम्हारा ज्ञान प्राप्त जो है छीन ले लूं, ऐसा नहीं। परंतु ना ही भाइयों में इसका विभाजन हो सकता है, जितना इसका भय करेंगे उतने ही जब वृद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए जी विद्या धन जो है सर्वधन प्रधान, सभी धन में जो है सबसे प्रधान धन जो है जो मानना गया है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है मनुष्य को ज्ञान जो अर्जित करना चाहिए, और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, ये देवी की कृपा से, माँ की कृपा से। जिन पर देव कृपा होती है, देव देवता कृपा होती है, इसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं की बुद्धि प्रखर होती है। और इस तरह से वह भक्त जो है जीवन भर जो है सुख को प्राप्त होते हैं। ऐसे मनुष्य जो है जिन पर इस माँ की कृपा होती है और माँ की कृपा से जिनको विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जी स्तोत्र में जो प्रार्थना की गई है कि विद्यावंतम जसवंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय माँ भगवती, आप अपने भक्तों को जो है विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध शत्रु का नाश करो। इस मंत्र का विद्यार्थी जब भी कर सकते हैं, इस मंत्र का जप करें, माँ की विशेष कृपा होगी, और माँ की कृपा होगी तो आपके जीवन विद्या बुद्धि की कमी नहीं रहेगी। जो बच्चे जब भूल जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, याद रहता नहीं, मंत्र का जप करें और उनका यश जो उनकी कीर्ति संसार में अटल बनी रहेगी। और ऐसे बच्चे जो हैं वह मेधावी होते हैं,
जिन पर माँ की कृपा होती है और मंत्र जप करते हैं और मंत्र जप जो इसमें अद्भुत शक्ति होती है। मंत्र जब बार बार जप करते हैं मंत्र सिद्ध होते हैं, जब मंत्र सिद्ध होते हैं तो सब कार्य जो है वह सिद्ध हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ के चरण में बैठे हुए हैं, सभी माँ की बड़ी अपार कृपा भक्तों पर, क्योंकि इसकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता है, इसका बुलावा होता है तो माँ अपने चरण में बुलाती है, भक्तों को चरण में बिठाती है और आशीर्वाद देती है। तो वास्तव में जगजन्य जिनका कल्याण करना चाहती, जिनका मंगल करना चाहती, जिनको दुखों दूर करना चाहती है, उन भक्तों को बुलावा भेजती है, अपने दरबार में बुलाती है, आशीर्वाद देती है और माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। आप सभी दोनों हाथ जोड़ करके इन माताओं से महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती प्रार्थना कीजिए। ये तीनों माता प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को वरदान दें, आपको आशीर्वाद दें। आप जो मन की कामना लेकर के माँ के दरबार में आए हैं, आपकी सब मनोकामना को पूर्ण करें और सदा सर्वदा इसी तरह से आप पर कृपा बनाए रखें, अपने दरबार में बुलाती रहें, अपना आशीर्वाद आपको देती रहें और माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके गृहस्थ में सदा सर्वदा सुख शांति, सुख समृद्धि हो, आप उत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, आपके सब कार्य जो है सिद्ध हो। माँ भगवती आपकी दीर्घायु करें और सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वहर साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूं, श्री मनिंद्र जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोलना चालू हो जाते हैं। श्री मनिंद्र जी जय करा श्रवण दीदा बोल सच्चे दरबार की जय। कम चलते रहन कर बस दे रहन, कम चलते रहन कर बस दे रहन, ओ कम चलते रहन कर बस दे रहन, कम चलते रहन कर बस दे रहन। मां तेरिया प्यारिया दे चमकण किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारिया दे, चमकण कम चल दे रहन कर बस दे रहन, कम चल दे रहन कर बस दे रहन, कम चल दे रहन कर बस दे रहन। मां तेरिया प्यारिया दे चमकण किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारिया दे, मां चमकण किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारिया दे, चल दे रहन कर बस दे रहन, कम चल दे रहन कर बस दे रहन, कम चल दे रहन कर बस दे रहन। ताली सभी हाथ खोल कर अकेले ताली नहीं, ताली के बाद माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती और भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी आराध्य पूरी करें, आपका जीवन विश्व से भर देता है। नहीं होना तेरी कृपा रहे, तेरी दया रहे, तेरी
तेरी कृपा रहे तेरी दया रहे तेरी कृपा रहे तेरी दया रहे तेरी कृपा रहे तेरी दया रहे मां ताले नाल सारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे मां चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे चमकण किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारे किस्मत दे तारे तेरी अख दे I'm gonna get it.
Come on.
संकल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतति भान भव शर्मान भव प्रज्ञा भान भव भूर भवति तरण धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य धर्मदलन व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देस्तु शरीर वर्चस आयुष्मारोग्यमाविदा शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं भूपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। समय कर ओम जय शिवरी मां सुंदर
Thank you.
द्वित की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे धर्म हरि की जय। प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Yeah.
Jai 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 Jai
शिखम वेदवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिविद्याधरम वंदे विष्णु भगवान सर्वलोकैकनाथम सततम् केशवम् सामनारायणम् मधुरम पार्थिवरम मधुरम गोपिकांदम हरे मुरारे मधुरे कमले गोविंद गोपाल केशोरे ज्ञानम भजे शरणम भजे विद्या भजे मनोहर नमोस्तुते मई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा मज पूरा रानी माता तेरी सदा मतला भला कर वाली माता तेरी सदा कुल चुक माफ कर वाली माता तेरी सदा वीर काल तेरी सदा सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारत वर हर 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 महादेव गुरु बाबा श्री धर्म की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोल सच्चे दरबार की जय महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय गुरु सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की जय सारे भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूर्ण हो वो सच्चे दरबार की जय वो